क्या आपको पता है कि एक ही प्लेन के दो पायलट कभी भी एक जैसा खाना नहीं खा सकते? और दुनिया का नंबर वन फेवरेट कलर कौन सा है? और क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ खा रहे हो और कोई कुत्ता आपको देख रहा है ये सोचकर कि आप भी उसे कुछ खाने को दे दोगे, तो ये जो पूरी घटना घटी है इसका भी एक नाम होता है। तो आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानने वाले हो, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 10, एक बार की बात है, अमेजोन के जंगल में फिल टॉरस नाम के एक साइंस कम्युनिकेटर वहाँ की एक नदी के पास ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ पर ट्रैवल करते हुए उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी और उन्होंने उस चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसका एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल द जंगल डायरीज में पोस्ट भी कर दिया। दरअसल उन्होंने एक बहुत क्यूट घटना देखी थी। उन्होंने देखा कि बहुत सारे टर्टल्स नदी किनारे धूप सेक रहे थे और उनके सरों के ऊपर बहुत सारी स्पीशीज के कलरफुल बटरफ्लाइज उन कछुओं के माथे पर बैठकर उनकी आंखों से उनके आंसू पी रही थी। इसके पीछे का साइंस ये है कि कछुए की आंसुओं में सोडियम भर भर के मिलता है जो कि बटरफ्लाइज में फूलों के रस में नहीं मिल पाता। ये तितलियों की डाइट के लिए अच्छा होता है, इसीलिए वो कछुए या फिर अदर क्रिएटर्स में ही ढूंढती रहती हैं। ऐसा सीन भला बार बार देखने को कहाँ मिलता है। फैक्ट नंबर 9, कैलाश टेम्पल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो और बहुत फेमस है। उससे जुड़ी एक बात है जो बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है और वो ये है कि कैलाश टेम्पल दुनिया का अकेला ऐसा टेम्पल है जिसे सिर्फ एक सिंगल पत्थर को काट के बनाया गया है। जरा सोचो कि उस जमाने में इतना बड़ा पत्थर रहा होगा और सिर्फ इस एक पत्थर को काट कर इतना बड़ा और भव्य बनाना, ये सिर्फ इंडिया के ही बस की बात है। आई एम प्राउड कि ये कैलाश टेम्पल सिर्फ इंडिया में है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में कलर्स को लेकर एक वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ जिसका मकसद ये पता लगाना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा कलर पसंद है। और सर्वे होने के बाद ये रिजल्ट निकला कि वर्ल्ड वाइड फेवरेट कलर में सबसे ऊपर नीला कलर था। अधिकतर लोगों ने ब्लू को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन बताए, कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो, गौर से सुनो, ऊपर आसमान नीला, नीचे समुंदर भी नीला, दुनिया भर में जो जीन्स पहनी जाती है उसका कलर भी नीला ही होता है। डार्क ब्लू सूट कोई अगर बिजनेसमैन पहने तो उसका अलग ही इंप्रेशन माना जाता है और इंडिया में तो लोग लॉर्ड कृष्णा को भी ब्लू कलर का ही मानते हैं। और सर्वे में इसके अलावा भी बहुत से कारण बताए गए थे। फैक्ट नंबर 7, ये वाला फैक्ट जान के आपको बहुत अजीब लगेगा। एक प्लेन में दो पायलट होते हैं और दो पायलट इसीलिए होते हैं कि बाय चांस अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा आदमी प्लेन कंट्रोल कर सके। पर एयरलाइन कंपनीज इस पर भी संतुष्ट नहीं होती हैं, बल्कि वो उन पायलट्स के खाने में भी फेरबदल कर देती हैं। होता ये है कि एक जैसे प्लेन में एक ही जैसे दोनों पायलट खाना एक जैसा नहीं खाते। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक ही प्लेन के दो पायलट एक जैसा खाना नहीं खा सकते। मान लो कि एक पायलट को खाना खाने के बाद कोई फूड पॉइजनिंग हो गई और उसे कोई दिक्कत होने लगी, तब भी प्लेन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा पायलट तैयार रहेगा। एक जैसा खाना खाने की वजह से दोनों पायलट्स को सेम प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से एक पायलट को दूसरे से अलग खाना दिया जाता है। आई थिंक ये आपको बहुत अजीब लगा होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको याद है आप जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने सबसे पहला रंग कौन सा देखा था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अपनी आंखों से जो सबसे पहला कलर देख पाता है या आइडेंटिफाई कर पाता है वो होता है रेड कलर। मतलब रेड ही वो कलर है जो एक बेबी सबसे पहले देखता है। फैक्ट नंबर 5, आप सबको ध्यान है कि इस दुनिया की सबसे पहली जो स्टोरी लिखी गई थी वो कौन सी है? बहुत कम लोगों को पता होगा, चलो बताता हूँ। इस दुनिया की सबसे पहली लिखित स्टोरी जो थी वो है द एपिक ऑफ गिलगमेश। इस कहानी को 1800 BC में लिखा गया था, वो भी सुमेरियन भाषा में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। इस कहानी में गिलगमेश के बारे में बताया गया है जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर उरुक देश का एक ऐतिहासिक राजा गुजरा है और जहाँ पर उस टाइम पर उरुक देश था वहाँ पर अब वर्तमान समय में इराक बन चुका है। इसको याद रखना, द एपिक ऑफ गिलगमेश दुनिया की सबसे पहली स्टोरी। फैक्ट नंबर 4, जब हम छोटे थे तो कैमल के 12 कलर देखकर बड़े खुश हो जाते थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि 12 नहीं 12,000 से भी ज़्यादा कलर हैं। पर इतने सारे कलर को बनाने की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, तो एक महान इंसान है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इतिहास में प्लेटो नाम के एक अथेनियन फिलोसोफर गुजरे हैं जो कि एंशिएंट ग्रीस टाइम पीरियड में थे। वही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर दो कलर्स को एक साथ मिला दिया जाए तो एक नया कलर भी बन सकता है, थैंक्स टू दिस मैन जो हम इतने सारे कलर देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में ऐसी सी दुर्लभ बीमारियां हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, पर इन बीमारियों के कैरेक्टर्स को आपने कई बार मूवीज में जरूर देखा होगा। तो ऐसी ही एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपरट्रिचोसिस। ये बीमारी बहुत रेयर होती है। इसमें होता ही है कि शरीर पर हर जगह बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। इसे वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। ये इतनी रेयर होती है कि अभी तक सिर्फ 50 केस ही वर्ल्ड वाइड दर्ज हैं। एक बिलियन की पॉपुलेशन में ये सिर्फ किसी एक को ही होती है। इस बीमारी के बाद लाइफ साइकिल 5 से 10 ईयर्स ही रह जाती है, क्योंकि पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इसमें होता ही है कि जितने ज़्यादा बाल काटोगे उतने ज़्यादा बाल बढ़ जाते हैं।
फैक्ट नंबर टू, आजकल लड़कियां जो अपने सिर पर बाल वगैरह ढकने के लिए जो स्कार्फ बांधती हैं, ऑफ कोर्स धूप वगैरह से बचने के लिए, इसके बारे में ये बोला जाता है कि इसकी शुरुआत एंशियंट इजिप्ट पीरियड में हुई थी और सबसे पहले इजिप्शियन महारानियों के सर पर ही स्कार्फ बांधा हुआ देखा गया था और तभी से अभी तक ट्रेंड में चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। फैक्ट नंबर वन, अब ये वाला सबसे खास है, ध्यान से सुनना। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब आप कुछ खा रहे होते हो और वहीं पर अगर कोई कुत्ता है और वो पूंछ हिलाकर आपके पास आ जाता है इस उम्मीद में कि आप भी उसे कुछ खाने को दे दोगे, तो ये जो आप खाना खा रहे हो और कुत्ता आपको देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है, देखता ही जा रहा है ये सोच के कि आप उसे कुछ दे ही दोगे, तो इस कंडीशन को साइंटिफिकली ग्रोकिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रोकिंग इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग पीपल ईट फूड होपिंग दे विल ऑफर यू सम। इतने बड़े एक्ट का ये सिर्फ अकेला मीनिंग है, गजब। वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक जरूर कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपके मोबाइल पर तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा एम है कि मुझे सन 2021 के आने से पहले अपने चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर हिट करने हैं, लेकिन मुझे इसमें आप सबकी हेल्प चाहिए, तो मिलकर आप इसे कंप्लीट करवा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।